नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जैसे ही किसी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे ना, बोलेंगे कि हमको तो मार्केट में जाना ही नहीं है। वैसे लोग जो म्यूचुअल फंड में मार्केट में डरते हैं पैसा लगाने से, वैसे लोगों को अगर 100 रुपया पर मंथ बोला जाए आप अपने देखने के लिए कि चलो 100 रुपया में क्या आ जाता है, पान बीड़ी सिगरेट पी के उड़ा देते हैं, चलो 100 रुपया पर मंथ कर लेते हैं। तो मैं आपको आज कौन कौन से AMC में और कहाँ कहाँ 100 रुपया पर मंथ हो सकता है, और मैंने ज़िंदगी में 100 रुपया पर मंथ SIP पिछले 10-12 साल से किया था, तो आज क्या वैल्यू है और आने वाले दिनों में क्या होगा, आज इसके बारे में बताते हैं। उसके पहले एक जगह मैंने 3,000 का SIP किया था, सोचा था करूँगा, लेकिन एक बार पैसा कटा, चेक से एक बार पैसा कटा, उसके बाद वो आगे फर्दर कटा ही नहीं। होता है ना, एक ही बार पैसा दिया उसके बाद कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि आपका फर्दर पैसा कटा ही नहीं। तो मैंने 3,000 रुपया का चेक जब लगाया था, उसका डेट था 11 मई 2010। 11 मई 2010 में पहला चेक लगा, ये सोच के कि 3,000 पर मंथ का SIP करूँगा। अगर 2010 में, आज से 12 साल पहले, अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो जाता कि आप कहते तो हैं कि 20 साल करूँगा, 15 साल करूँगा, लेकिन एक ही बार पैसा दिया उसके बाद दे ही नहीं पाया, कुछ हो गया, सिग्नेचर मिसमैच हो गया, बैंक अकाउंट गलत हो गया, कुछ भी हो गया, आपका फर्दर पैसा कटा ही नहीं, तो क्या वो पैसा दूसरे जगह मिलता है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं मिलता है। बोलेगा सड़ गया, खत्म हो गया, फ्रीज हो गया, अरे इतना दिन के बाद नींद टूटा, कहाँ थे अभी तक प्रभु जी, 12 साल बाद, 12 साल से नींद नहीं टूटा था आपका, मतलब तरह तरह का बात बोलते रहेंगे। और वो जो बोलने वाले हैं ना, अपने ही लोग बोलेंगे, वो ज़्यादा तहकीकात नहीं करेंगे अंदर कि क्यों नहीं मिलेगा। भाई 3,000 जमा हुआ है मूलधन, मूलधन तो दे दो, मत दो ब्याज, कोई कोई ब्याज नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो मूलधन कटा है वो तो दे दो, कुछ नहीं मिलने वाला है यदि अदर देन म्यूचुअल फंड है। 2010 में जो 3,000 कटा था वो छूट गया, मैं भी भूल गया। आज स्टेटमेंट देखता हूँ, छोटा छोटा चिंदी वाला जो पैसा टुकड़े टुकड़े में जा रहा है ना, चवन्नी टाइप जो पैसा जमा हुआ है, उस चवन्नी का वैल्यू इन दिनों कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 3,000 का वैल्यू 14,551 रुपया है। और ये डेट आज का डेट है, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है 31 मई 2022 का, मेल पे आया था, ये वैल्यू है 14,500 लगभग ये पैसा है। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो इसी तरह का स्टेटमेंट मिलेगा। आप ऐप में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन मेल पे इसी तरह का स्टेटमेंट आएगा। पहले तो घर पे भी जो स्टेटमेंट आता था यही सेम आता था, फिजिकल स्टेटमेंट। अभी भी साल भर में 6 महीना में एक बार इस तरह का स्टेटमेंट आपको शायद मिल जाता होगा फिजिकल, नहीं तो मेल पे जरूर आता है। इसमें सारा डाटा आपका दिया हुआ है, इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, सब कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन साधारण आदमी सब कुछ समझ जाए, एक डाटा छुटा हुआ है, कितना वैल्यू हुआ था 3,000 का 14,000, इसमें परसेंटेज नहीं लिखा होता है, कितना परसेंट मिला। कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, 40-45 कंपनी, हमें ये समझ ही नहीं आता है, इतना अंग्रेजी लिखा हुआ है, लिख देता 14% 15%, खोपड़ी का ब्लूटूथ होना चाहता, अच्छा म्यूचुअल फंड ने 14-15% का रिटर्न दिया, चलो और भी लगा देते हैं। कहीं भी स्टेटमेंट में परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो AMC से मिलता है, कंपनी से मिलता है, ऑथराइज जो है स्टेटमेंट है, उसमें कहीं भी एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न के बारे में जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब हम जैसे लोगों का जरूरत पड़ता है, अगर ये सब लिखा होता तो हम जैसे एडवाइजर का जरूरत ही नहीं पड़ता। अब हमारा यहाँ पे रोल शुरू होता है कि आपको बताऊं कि ये जो पैसा 3,000 कटा था 12 साल पहले, 14% का रिटर्न मिला, तो 3,000 का वैल्यू 14,500 हो गया, जरूरत ही नहीं था अगर लिख देता 14%, हम जैसे लोगों को जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब जो 100-100 रुपया वाला फंड है, 100 रुपया वाला फंड देखते हैं, यहाँ पे जो 100-100 रुपया का है, स्टेटमेंट देखते हैं ना, पेज देखेंगे ना, 18 पेज, 100-100 रुपया करके 18 पेज भर गया, चलता आ रहा है, काफी सारा मर्जिंग हुआ है, तो इसमें स्टेटमेंट में मैं भी कंफ्यूज हो गया, काफ़ी सारा फोलियो था मेरा, सबको एक फोलियो में मर्ज किया, तो कहीं 200 रुपया दिखाएगा, कहीं 500 भी दिखा देगा, कभी 1,000 भी दिखा, मतलब अलग अलग फोलियो था, कब किसी में 500 का था, किसी में 1,000 का था, किसी में 100 रुपया का था,
लेकिन मैं मर्जिंग किया, सारा फोलियो एक हो जाए, उसमें सब गड़बड़ हो गया, सब दाल भात खिचड़ी बन के सब एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है, तो हमें भी समझाने में कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन 100-100 रुपया वाला कंटिन्यू है, 1500 वाला सब बंद कर दिए, फिर ज़्यादा बड़ा अमाउंट करने लगे, लेकिन 100-100 रुपया वाला मेरा पिछले 10-12 साल से 100-100 रुपया का 8 SIP चल रहा है। मेरे ICICI बैंक से 28 तारीख को पैसा निकलता है और मुझे पता भी नहीं चलता है, वो कट ही जाता है, हर महीना कटते जा रहा है। तो इस तरह से देखेंगे ये स्टेटमेंट चलता गया, 100-100 रुपया चलता आ रहा है। यहाँ जो है कंसोलिडेटेड हो गया, कहीं 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट था, 5,000 था, सब एक जगह आके मर्ज हो गया, लेकिन मेरा 100 रुपया का चलता आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 18,900 जमा हुआ है और 39,600 है, इसमें मात्र 8,000-9,000 ही 100-100 रुपया वाला होगा, बाकी दूसरे फोलियो से मर्ज होके आया है। तो इस तरह से निपॉन ग्रोथ फंड में और निपॉन स्मॉल कैप में, यहाँ देखेंगे अब निपॉन स्मॉल कैप, इसमें भी 100-100 रुपया पर मंथ का SIP चलता आ रहा है, लगभग 17-18-19 से ईयर से ये करता जा रहा हूँ। कब तक करूँगा ये तो मैंने सोचा है, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक करता रहूँगा। क्या होगा इससे, ऐसा करने से 100-100 रुपया का 8 फंड 28 तारीख को निकल जाता है। आज से 10-12 साल पहले मैंने कैलकुलेट किया था, सोचा था कि 100 रुपया पर मंथ करूँगा आने वाले 40 साल तक, और यदि 19% का रिटर्न मिलता रहे तो कितना पैसा होगा। इसके लिए कैलकुलेटर पे फिर से आते हैं, मात्र 100 रुपया पर मंथ से, ये 100 रुपया पर मंथ है 40 साल, और यदि गलती से 19% रिटर्न मिल गया, यदि मिला तो 100-100 रुपया पर मंथ का वैल्यू कितना होगा, ये देख के आश्चर्य हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा, भरोसा भी नहीं होगा। 48,000 जमा होगा 100-100 रुपया पर मंथ 40 साल में, 1200 रुपया सालाना, साल का बर्चो 48,000 जमा हो गया, एक बार नहीं दिए, 100-100 रुपया महीना दे रहे हैं। लास्ट में जब ऊपर जाने लगेंगे तो पोता पोती नाती नतनी को सोचे हैं ये गिफ्ट कर देंगे, तो फैसला बनता है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 10,00,00,000 करोड़ 1 करोड़ 20,00,000। यदि 19% का रिटर्न मिला तो, अगर नहीं मिला तो जो भी मिलेगा, अगर 15 मिल गया तो, 15 अगर मिलता है तो 31,40,000 होता है, इतना ही जाएगा। अगर बैंक पोस्ट ऑफिस में होता तो कितना होता करके देख लेते हैं, 8% के रेट से अगर बैंक में होता तो कितना होता, 3,51,000 जमा 48,000 3,51,000। अगर म्यूचुअल फंड में 14-15 मिल जाए तो 31,40,000। अभी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का क्वेश्चन होगा, इस 31,00,000 का उस समय कितना वैल्यू होगा, इन्फ्लेशन बोलेंगे, टैक्स कितना कटेगा। भाई इन्फ्लेशन तो हर जगह पे है ना पृथ्वी पे, कोई ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेशन मेरे लिए उसके लिए नहीं है। तो पड़ोसी के पास किसी के पास 15,00,000 होगा और किसी के पास 31,00,000 होगा, तो जाहिर सा बात है जिसके पास 31,00,000 होगा उनका गुजर बसर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा पैसे के मामले में। तो 31,00,000 का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन होता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 40 साल तो बहुत दूर है। तो देखते हैं यहां पे, आज का 3,00,000 40 साल के बाद यदि 6% इन्फ्लेशन हो तो लगभग 30-31,00,000 रुपया हो जाता है, मतलब 31,00,000 रुपया उस समय चाहिए जिसका आज वैल्यू कितना होगा, 3,00,000 रुपया। इसका दूसरा अर्थ यह है कि 3,00,000 रुपया मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको देना पड़ रहा है, आज खर्चा 3,00,000 रुपया है पढ़ाई के लिए, तो वो कॉलेज जाहिर सा बात है उस समय भी जिंदा रहा अगर 40 साल बाद तो वही मांगेगा, यदि 6% का इन्फ्लेशन रहे 30-31,00,000 रुपया, मतलब आज जो पढ़ाई का खर्चा 3,00,000 है 40 साल के बाद 31,00,000 रुपया लगेगा, और हमारे 100-100 रुपया के पैसे से कितना पैसा बन रहा है 15% के रेट से 31,00,000 रुपया। तो उस 31,00,000 को मैं आज अचीव कर रहा हूँ 100-100 रुपये के पर मंथ से, मतलब जब ऊपर जाएंगे तो 31,00,000 मिलेगा, उस 31,00,000 का वैल्यू आज कितना होगा 3,00,000 रुपया, मतलब 3,00,000 रुपये मैं आज ही दे रहा हूँ बच्चों को गिफ्ट के रूप में, प्रेजेंट वैल्यू 3,00,000 फ्यूचर वैल्यू 31,00,000 15% के रेट से, 12% मिलेगा तो क्या होगा, 13 से क्या होगा, वो खुद कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो
सब समझ में आ जाएगा कि अभी क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने उदाहरण दिया ना कि 100 रुपया पर मंथ मैं करूंगा, या यदि 19% का रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप में मिल जाए तो लगभग 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो इससे मुझे एक कहानी याद आता है, न्यूज चैनल पे काफी सारा आया था ये, मुंबई का न्यूज, कि एक भिखारी के घर में 10 लाख रुपया मिला, एक एक रुपया जमा करते करते इतना पैसा हो गया। हमारे जिंदगी में भी 100 रुपया पर मंथ या 3,000 5,000 का SIP है, कुछ ऐसा ही है, जमा करते 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 इतना हो जाएगा कि हमें खुद आश्चर्य हो रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स को आश्चर्य हो रहा है कि इतना कैसे हो गया। वो यही है भिखारी वाला खेल, इतना पैसा जमा हो गया, सालों साल बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा वो अपने आप। एक तो हमारा मेहनत का पैसा जमा हो रहा है, दूसरा है ग्रोथ उस पर लगता जा रहा है, तो इतना पैसा हो गया। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, पर वो बूंद बूंद कहाँ रखना है ये भी मायने रखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे बर्तन में डाल दिए तो उससे सारा बूंद बूंद एक तरफ से निकलते जाए, एक तरफ से आप डालते जाएं दूसरी तरफ से निकलते जाएं। म्यूचुअल फंड के अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं कुछ इसी तरह से हैं, आप पैसा तो डाल रहे हैं लेकिन दूसरे जगह से वो निकलते ही जा रहा है। जितना भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं अदर देन म्यूचुअल फंड, सब ऐसा ही है। तो यहाँ पे अब आप पूछ सकते हैं कि हमें भी 100 रुपया पर मंथ करना है तो बताइए कौन कौन से AMC में। निपोन के बारे में तो मैं जानता हूँ, बाकी काफ़ी सारे AMC हैं अलग अलग AMC में। बहुत AMC अलाउ नहीं करता है कि आप मिनिमम 1,000 या 2,000 से कम का SIP करेंगे, लेकिन ज़्यादातर AMC 100 रुपया का SIP अलाउ कर रहे हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन से AMC में है। आप 100 रुपया पर मंथ का SIP करेंगे, कितना करेंगे, 100 रुपया पर मंथ करेंगे, और सारा स्मॉल कैप में कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप में, क्योंकि लंबा समय है, आपको जब ऊपर जाना है तभी गिफ्ट करना है, ऐसा सोच के रखा है। कितना करना है, नंबर ऑफ SIP, वो आपके मन पे डिपेंड करता है कि कितने लोगों को ये गिफ्ट आप देना चाहते हैं। अब कमेंट्स का बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं। बोलते हैं, इन केस आप काम करना बंद कर दें तो आने वाले टाइम में आप इन्फ्लेशन कैसे बीट करेंगे। ये म्यूचुअल फंड ही और स्टॉक मार्केट ही ऐसा जरिया है जहां इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है। बाकी जितना भी चीज आप जानते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, सेफ सेफर सेफेस्ट, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको इन्फ्लेशन को मात्र बीट कर सकता है, इन्फ्लेशन के इक्विवेलेंट आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ मतलब GDP और प्लस इन्फ्लेशन दोनों का जो जोड़ होगा वो आपको रिटर्न मिलता है। किसी भी देश का यही होता है, GDP प्लस इन्फ्लेशन। मान लीजिए GDP 4-5% है और इन्फ्लेशन भी 4-5% है, तो दोनों मिला के 8-10% उस कंट्री का ग्रोथ होगा, स्टॉक मार्केट का ग्रोथ होगा। भारत में देखेंगे अगर 16% रहे तो लगभग 7-8% इन्फ्लेशन और ग्रोथ भी लगभग इतना ही, तो दोनों मिला के 15-16% का रिटर्न आपको मिल जाता है। तो लंबे समय में यदि मेरा पैसा, मैं काम करना बंद कर दिया और मैंने 1 करोड़ रुपया जमा करके रख लिया, अब वो पैसा अगर मार्केट में इन्वेस्टेड है तो 12% अगर मिल रहा है ग्रोथ स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड से, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन प्लस उस देश का जो GDP है दोनों का जोड़ आपको मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में अगर रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं लंबे समय के लिए तो इस टेंशन से आप दूर होंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है, वो अपने आप बीट होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट, मैं बिगनर हूँ। मतलब ये तो बवंडर जैसा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, पता कुछ भी नहीं है, बिगनर हैं और डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, या तो खुद का कमाई का लगाना चाहते हैं या पेरेंट्स का लगाना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं जाने भाई, अगर आप कोई काम और कुछ करते हैं, मान लीजिए आपका प्रोफेशन कोई और है, मार्केट का शेयर मार्केट का प्रोफेशन नहीं है, अगर तो आप वही प्रोफेशन है तब तो आप स्टॉक मार्केट में लगाइए पैसा और वही प्रोफेशन बनाना चाहते हैं फ्यूचर में। लेकिन आपका प्रोफेशन कुछ और है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, कुछ और हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि हम शेयर मार्केट से पैसा बना के वेल्थ क्रिएशन कर लें, कभी नहीं हो सकता है। 90% लोगों के साथ यही दिक्कत है कि यहाँ पैसा लगाते हैं, कम होता है, गिरता है तो फिर गाली देते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट ही खराब है। आपको शुरुआत करना है तो म्यूचुअल फंड में ही करना है, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो में बताए हैं, 100-100 रुपया से स्टार्ट कीजिए, स्मॉल कैप से शुरू कीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमको शेयर मार्केट में जाना ही जाना है, तो एक काम कीजिए, 10,000 रुपया आप स्टॉक में लगा दीजिए और सेम टाइम में 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए।
आपको जो खेलना है स्टॉक मार्केट में खेलते रहिए, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खेलते रहिए जितना खेलना है, और इसको 5-5 हज़ार के दो स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए, एक्सिस स्मॉल कैप DSP स्मॉल कैप दो में लगा के छोड़ दिया, और 4 से 5 साल के बाद कंपेयर करके देख लीजिएगा कि आप अच्छा या ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो पता यही चलेगा 90% केस में कि ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो गया इसका मतलब आप फंड मैनेजर के इक्विवेलेंट हो गए, उससे अच्छा हो गए, क्योंकि इससे आपने अच्छा कर दिया, फिर आप फुल टाइम करियर वही कीजिए, लेकिन ज़्यादातर केस में यही जीत जाता है लंबे समय में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राजू सर, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और NPS कटवाने के लिए कहा जा रहा है, आप सलाह दें, 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं यदि, तो आपका एम्प्लॉयर और आप जो कंपलसरी है 10-12% 14%, उसके अलावा आप और लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। कौन कौन सा म्यूचुअल फंड? SBI स्मॉल कैप में, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC और ICICI बैंक वाला स्मॉल कैप में आप लगाइए, जितना भी पैसा ज़िंदगी में बचता है, हमने यही किया है तो हमारा पोर्टफोलियो लगभग 1 करोड़ के ऊपर है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाए हैं। तो आपको भी ज़िंदगी में यही करना है, चाल चले सादा निवे बाप दादा। आप ये सोचिए ना, NPS कहाँ लगाएगा? वो भी तो मार्केट में ही लगाएगा, वहाँ भी तो फंड मैनेजर और NPS का सिलेक्शन किया है सरकार ने। तो आपको जो कंपल्सन है, जितना पैसा कंपल्सन के रूप में कटता है उसको कटने दीजिए, अपने मर्जी से NPS में नहीं डालना है। अभी तो भले ही टैक्स फ्री बोल रहे हैं, बाद में इसमें टैक्स लगना है, एकदम दबा के टैक्स लगना है NPS में, वो लिखा हुआ है सब कुछ छोटे छोटे अक्षर में, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता ये बात। तो आपको स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए बना रहना है, आपका NPS में अच्छा खासा रिटर्न वहाँ भी मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड के नॉर्मल स्मॉल कैप में मिल जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं टाइम निकाल के आपको जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।